TV9 भारतवर्ष अकेला एक ऐसा चैनल है जो आपको चुनाव के नतीजे भी बता रहा है और साथ ही 2024 का सर्वे भी दिखा रहा है। तो 2024 के सर्वे से जुड़ा अगला सवाल क्या है, अगला और अहम सवाल आइए वो आपको बताते हैं। 2024 चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये है हमारा अगला सवाल। 2024 में लोगों को यानी आम जनता को क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा ये मैं नहीं बताऊंगी, ये रवि बताएंगे और वो जानने के लिए हम सीधे रवि का रुख करेंगे ताकि रवि हम बताएं कि लोगों को क्या लगता है कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है 2024 के लिए। सुमेरा, 11 सवालों में से यह हमारा 8वां सवाल था कि 2024 चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। तो देखिए लोगों ने क्या कहा वो आपके हम सामने रख रहे हैं। बेरोजगारी 35.9% लोगों ने कहा यह होगा मुद्दा। नंबर 2 महंगाई 24.3% लोगों ने कहा कि यह मुद्दा होगा। भ्रष्टाचार को लेकर 12.7% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, विकास डेवलपमेंट भी मुद्दा होगा, उसके लिए 14.3% लोगों ने अपनी सहमति दी है। और हिंदुत्व को एक मुद्दे के तौर पर सिर्फ 8.6% लोगों ने रजामंदी इस पे जाहिर की है। अदर्स की बात करें दूसरे मुद्दे जिसमें 4.2% लोगों ने कहा कि दूसरे मुद्दे भी हो सकते हैं। निशांत, तब तो सवाल यह बनता है कि अगर महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है तो विपक्ष के लोग कहां चूक रहे हैं इसको कैश कराने में, जबकि दिन रात वो कहते हैं कि मुद्दा तो यही है। हमारे सर्वे में भी मुद्दे वही आए। आप जो बता रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर जो जवाब आया उसमें देखिए बेरोजगारी सबसे ऊपर है, बेरोजगारी महंगाई हो सकते हैं 2024 के एजेंडे। करीब 60% लोगों के लिए बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को काफी कम लोगों ने माना 2024 का मुद्दा। ऊपर से एक और बड़ा सवाल है वो ये है कि बेरोजगारी महंगाई और विकास भी इससे नीचे है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें अब वापस एक बार कांग्रेस पार्टी के अगर प्रवक्ता जुड़ गए उनका रुख करना चाहिए क्योंकि वो लगातार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रहे थे, वही बड़े मुद्दे हैं जिनको उठाते हैं। जहां तक मैं देख रहा हूं मेरे साथ अतुल अंजान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सुनी जी मेरे साथ हैं यहां पर और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई की अगर बात की जाए तो कल सिलेंडर के दाम 350 रुपये, अगर मैं गलत नहीं हूं 350 रुपये, और फिर महंगाई और बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो ये साल पूरी दुनिया के लिए कठिन होने वाला है। कैसे असेस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, क्या प्लान है आपका? सौरभ जी, ये सवाल मेरा आपसे था। एक बार सवाल थोड़ा दोहराइए। मेरा सवाल है कि जो हमने सर्वे किया सर, उस सर्वे में महंगाई नंबर 2 पर है, बेरोजगारी नंबर 1 पर है, 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? महंगाई की अगर बात की जाए तो कल ही सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो उसका डेटा हम सबके सामने है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है कि इस साल बेरोजगारी बढ़ेगी। ये अनुमान हम नहीं, पूरी दुनिया कह रही है, वर्ल्ड बैंक कह रही है, IMF कह रही है, हर कोई कह रहा है। क्या करेंगे, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है इस पर? नहीं देखिए, आपको आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि देश इतने बड़े जो अतिमारी है उससे गुजारा है और पूरा विश्व में जिस तरह से हमने इसका मुकाबला किया है, जिस तरह से इसका वैक्सीनेशन किया है, फ्री, इतना बड़ा फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास हो रहा है सर, उसका तो गैस के दाम से क्या ताल्लुक है? नहीं नहीं, इसीलिए आज देखिए गैस के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम को लेके ये जो शुरू से चलते आ रहा है, तो गैस के दाम तो सर महामारी से सबसे पहले हमारे ही मुल्क ने रिकवर किया ना सर। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो हमारा ही मुल्क, अगर विकास सुन के आप हैरान हो जाएंगे सर, विकास बहुत पीछे विकास एजेंडा में। मैं जानना चाहता हूं बेरोजगारी के लिए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? बेरोजगारी के लिए जिस तरीका से हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो बेरोजगारी तो उसमें
बेरोजगारी तो उसके उसमें कम होगा ही होगा, उसमें जॉब जेनरेशन के लिए तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जो निवेश किया जा रहा है वो आगे चल के वो असरदार बनेगा। लेकिन मेरा इसमें एक कहना है जी कि ये जो गैस के दाम लेके इतने कल से हल्ला हो रहा है, तो क्यों नहीं ये सारे स्टेट गवर्नमेंट भी अपना सब्सिडी छोड़ देते हैं? ये तो कोई छोड़ते नहीं है। तो गैस के दाम जैसे ही बढ़ते हैं तो पूरा मोर्चा लेके रास्ते में निकल जाता है। तो लेकिन सौरभ जी, ये मोर्चे ऐसा तो नहीं है ना पहली बार निकल रहे हैं, ये मोर्चे तो आपने भी निकाले हैं, ये मोर्चे तो बीजेपी भी निकाल चुकी है तब जबकि पहले ये दाम बढ़ते थे। तो अच्छी बात ये है कि क्रूड ऑयल ये पूरी दुनिया में कितने पे खरीद रहे हैं, कितने में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अभी हमारे ऑयल के दाम तो कम नहीं है। हमारे साथ अतुल अंजान जी भी जुड़ गए। अतुल अंजान जी, हम 2024 का सर्वे भी दिखा रहे हैं, चुनाव के नतीजों पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन 2024 के सर्वे की जो बड़ी बात है, जो बड़ी तस्वीर है, वो वैसा विरोधाभास है जो लगता है कि विपक्ष के लिए बड़ी दुविधा है। एक तरफ लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, विकास है, वहीं ये मुद्दे भी राम मंदिर, इसके साथ साथ कॉमन सिविल कोड, वो भी लोगों को प्रभावित करते हैं, वो भी उन्हें लगता है कि बड़े मुद्दे हैं और चुनावी मुद्दे हो सकते हैं। क्या इसी के बीच बैलेंस बनाने की बड़ी चुनौती आपके सामने है और क्या वो बना पाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं TV9 को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि चुनाव के नतीजों की 3 राज्यों की समीक्षा के साथ देश के सामने दरपेश चुनौतियों को आपने इस विषय को अपनी विषय वस्तु बनाया है। मैं अपने आंकड़े नहीं पेश कर रहा हूँ, TV9 के जो अपने सर्वेक्षण हैं वो ये क्या कह रहे हैं कि महंगाई और बेकारी 60% लोगों के जीवन को त्रस्त किए हुए, वो उनका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन करके उभरा है। और ये भी बात सही है कि जो लोग ये 1 तारीख और 2 तारीख और 5 तारीख और धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि TV9 के आंकड़ों ने कह दिया है कि धर्म की बुनियाद का मुद्दा 8% लोगों का है, वो धीरे धीरे और मेलो डाउन करेगा, नीचे जाएगा। आप ये देखिए ना, होली के अवसर पर इस भारतीय जनता पार्टी ने अलग किस्म के नाच करने की आवश्यकता दी है। ₹350 पर सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाने का मतलब समझ रहे हैं कि सारे के सारे होटल, सारे के सारी हलवाई की दुकान, सारी की सारी मिठाई की दुकान, सारे खान पान की दुकानों के अंदर मिठाइयों, गुजिया जो होली का प्रतीक है, वो 25 से 30 रुपए किलो उसके दाम बढ़ गए, 50 रुपए घर के सिलेंडर के दाम बढ़ गए। आमदनी तो बढ़ी नहीं, बढ़ते जा रहे हैं। और फिर दुनिया भर की कहानी क्यों समझा रहे हो भाई? अतुल जी, गैस का दाम, अतुल जी, अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं कि रूस से एक सवाल लेना चाहते हैं। मैं भी अपना सवाल जोड़ दूं, फिर अशोक वानखेड़े जी भी एक सवाल लेंगे सर। लेकिन यही क्या सबसे बड़ी चुनौती है आपके सामने कि अगर ये 60% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लोगों के सामने जाए और लोगों के बीच में अपनी पैठ बना पाए, लेकिन वो आप अभी तक नहीं बना पाए हैं, क्या वो बड़ी चुनौती है? अशोक जी अब भी सवाल लेना चाहते हैं। मेरा सवाल यही था कि ये समस्या हम 2014 से देख रहे हैं जी हाँ, और लगातार विपक्ष कह रहा है इस समस्या को, लेकिन ये जनता तक पहुंचा नहीं पा रहा है, या फिर विपक्ष की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है कि जो कहती है तो जनता को लगता है कि ये भी आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है ये समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम समझ में आ रही है अतुल जी विपक्ष को? बिल्कुल प्रॉब्लम समझ आ रही है। अशोक वानखेड़े जी एक गहरी नज़र वाले पत्रकार हैं और TV9 का जो पूरा का पूरा समूह है वो भी गहरी पकड़ रखता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस विपक्ष को समझना चाहिए, ये विपक्ष को समझने का मौका है। और ये विपक्ष अगर आवारागर्दी करेगा, ये विपक्ष अगर नीतियों के सवाल के स्थान पर अपनी निजी दुकान चलाने के लिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आगे बढ़ेगा तो देश की जनता का क्या होगा? वो बेरोजगार नौजवान का क्या होगा जिसके सारे रास्ते बंद हो गए, जिसे कल के अखबारों में निकला है कि रिजर्व बैंक ने कह दिया है 4.4% हमारे विकास की दर घट गई पिछले 3 तिमाही में। ये विकास की दर लगातार घट रही है और कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, अरे भाई रूस ने तो आपको ऐसी रियायत दे दी कि दुनिया में कभी ऐसी क्रूड ऑयल की रियायत नहीं मिल सकती है, इसके बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। अगर ये तेल पेट्रोल के दाम अगर घटे तो महंगाई की रफ्तार कुछ तो घटेगी, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। डेवलपमेंट क्या विकास है भाई? सड़कों पर टोल टैक्स आप नहीं देंगे अब तो क्या विकास हो जाएगा? अतुल जी, ये आपने जो पॉइंट्स रखे मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा, बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं और ये सारे सवाल हम तो लगातार पूछ रहे हैं। हम बस यही जानना चाह रहे थे कि विपक्ष ये सवाल सड़कों पर कब पूछेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।